Hello students, so today we are going to learn about the properties of a triangle and what is a triangle. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि triangle होता क्या है. तो a plane figure bounded by three line segments is called a triangle. Plane figure मतलब होता है 2D figure. और line segments की बात करें तो एक सीधी line, straight line होती है जिसके end point, starting end point होता है और end point होते हैं. मतलब line segments के दो end points होते हैं, right? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के अगर प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल्स के बारे में पता करें तो ट्राइंगल्स के थ्री वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स का मतलब कह सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर्स. थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल. तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा और तीनों क्या होंगे, ऐसे जुड़े होंगे जो आपस में जो क्लोज्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स. अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो ये थ्री टाइप्स का होता है. पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करें तो ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं ट्राइंगल के, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. और अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. मतलब आइसोसेलेस में क्या होगा कि दो, कोई भी दो साइड्स, ठीक है, तो कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल. उसके बाद आता है स्केलेन ट्राइंगल. इसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल नहीं होगी, तीनों ही डिफरेंट होंगी, कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल. अगर बेस्ड ऑन देयर एंगल्स की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, राइट एक्यूट एंगल, एक्यूट राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल पहले समझते हैं कि एक्यूट एंगल होते क्या. एक्यूट एंगल में क्या है, जीरो से लेकर लेस देन 90 डिग्री अगर कोई भी एंगल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा कि ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि कोई भी ट्राइंगल का एक एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.